अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच चल रही खींचतान लगातार जारी है। जब अमेरिका ने चीन और रूस के 16 लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, इन लोगों और कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध की परवाह नहीं करते थे। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में गैर कानूनी तरीके से मदद पहुंचाई थी। अमेरिका के राजकोष मंत्री स्टीवन मुनिच ने कहा कि चीन और रूस या अन्य कहीं के व्यक्तियों और लोगों का उत्तर कोरिया का समर्थन करना मंजूर नहीं है। उत्तर कोरिया को आय जुटाने और इसका इस्तेमाल व्यापक विनाश का हथियार विकसित करने और क्षेत्र में अस्थिरता कायम करने में मदद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेरिकी प्रतिबंध की देखरेख करने वाले अमेरिकी राजकोष विभाग ने कहा कि प्रतिबंध के दायरे में आए लोग उत्तर कोरिया और उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने वालों को जानते हैं। ऐसे लोगों ने उस देश के ऊर्जा व्यापार में हिस्सा लिया है। इन लोगों ने उत्तर कोरियाई कामगारों का दोहन करने, वहां के उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से संपर्क साधने में मदद की है। आपको बता दें कि अमेरिका कुछ समय पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अमेरिका उन देशों के साथ सख्ती से पेश आएगा जो उत्तर कोरिया को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान और चीन सबसे ऊपर हैं, जिन पर ट्रंप पहले भी बयान दे चुके हैं। टीम इंडिलिंक्स।